कमिश्नरेट के मिर्जामुरा थाने की पुलिस ने एक कार से 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही राजस्थान से यूपी के रास्ते बिहार सप्लाई के लिए ले जा रहे युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे अग्रिम कार्रवाई के तहत कोर्ट में पेश कर मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त लकी खरेरा राजस्थान प्रांत के अलवर जनपद का रहने वाला है। कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पाया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में गुरुवार को कल सजा का ऐलान होगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप है कि 10 जून 1987 को 2 नाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। और तत्कालीन एसपी देवराज नागर साहब का कूट रचित फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लाइसेंस प्राप्त किया गया था, जिसका जांच सीबीसीआईडी ने करके वर्ष 1990 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। उसी का विचारण यहाँ प्रचलित था न्यायालय में। उसमें मुख्तार अंसारी के साथ एक और अन्य अभियुक्त बनाए गए गौरी शंकर लाल, जो शस्त्र लिपिक थे जनपद गाजीपुर के, तो उन्हीं का मुकदमा विचाराधीन था। न्यायालय में जो है 10 साक्ष्य अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत किए गए साक्षीगण आए, जिसमें से आलोक रंजन साहब, देवराज नागर साहब और एक जिला अधिकारी थे जगन मैथ्यू साहब, जिन्होंने इस मामले को सर्वप्रथम लिख के भेजा था कि कुछ ही फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके आधार पर जांच हुई। अवैध निर्माण पर वीडियो की कार्रवाई लगातार जारी है। वीडियो की टीम ने मंगलवार को मुगलसराय व सारनाथ वार्ड में 7 बीघा में कराई जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई से खलबली मची रही। मुगलसराय वार्ड के मौजा करवत भिनसौड़ी बहादुरपुर रोड में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 3 बीघा अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आगामी लोकसभा चुनाव में 85 साल से अधिक उम्र से वोटर घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये निर्णय लिया है। इससे उत्तर प्रदेश के संबंधित मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वेद विभाग के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संस्कार की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक वांग्मय में संस्कार पर विमर्श किया गया। वक्ताओं से संस्कार व मुहूर्त पर चर्चा की गई। संगोष्ठी 2 सत्रों में हुई। प्रथम सत्र उद्घाटन तथा द्वितीय संपूर्ति सत्र रहा। वेद विभाग की तरफ से इस बार विषय रखा है हमने वेदों में संस्कार विमर्श। क्या उद्देश्य है और कितने ये लोगों के लिए है, क्या आगे अभी देखने को आ रहा है। हम विभाग में बैठ कर जब चिंतन मनन करते हैं तो यह बड़ा चिंता का विषय है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अशांति का क्रम देखने को मिलता है। अशांति क्रम कैसे दूर हो, तो ये बात समझ में आई इसके जड़ में जाने पर कि संस्कार की कमी हो रही है। देश दुनिया में संस्कार की कमी हो रही है और संस्कार की कमी का जो मूल कारण है खान पान की अशुद्धि और दिनचर्या में अव्यवस्थित क्रम का दिनचर्या जो चल रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। तो यह खान पान शुद्ध हो कैसे, खान पान पवित्र कैसे हो और साथ में दिनचर्या हमारी शुद्ध कैसे हो, इस पर और साथ में ये जो 16 संस्कार हमारे हैं उस संस्कारों को, वाणी का संस्कार, क्योंकि संस्कार पूर्ण तब होता है। काशी में बौद्ध सर्किट की तरह अब जैन सर्किट भी बनेगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए प्राथमिक सर्वे करा लिया है। काशी 4 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली रही है। ऐसे में हर साल लगभग 10 लाख जैन अनुयायी काशी आते हैं। ऐसे में काशी में जैन सर्किट विकसित करने की पहल की जा रही है। बीते 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन पद्धति को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लौराबीर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की पूजा पद्धति पर कई सवाल खड़े किए। अजय राय ने कहा कि सनातन धर्म में खुद के अभिषेक या महामंडित कराने की परंपरा न सिर्फ धर्म विरुद्ध है, बल्कि यह सनातन धर्म को खुली चुनौती देने वाली धर्मद्रोही कुकृत्य है। ये मोदी जी ने अपना स्वीकार कराया है। ये महादेव का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है। काशी की परंपरा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाला कार्य किया गया है। हम सब लोग बहुत से दुखी हैं, मर्माहत हैं काशी के लोग, और इस तरीके की चीजें काशी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो धर्म की प्रतिनिधि की सोच है, जो बाबा विश्वनाथ
मंडला कौशलराज शर्मा ने रोवे की खातिर काशी विद्यापीठ के पास पावर सब स्टेशन बनाने के लिए चिन्हित जमीन को ट्रांसफर कराने संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वीडियो उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग को निर्देश दिया। वो मंगलवार को निर्माणाधीन रोपवे परियोजना के बाबत बैठक कर रहे थे। मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों से यूटिलिटी शिफ्टिंग में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। रोपवे निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों ने बताया कि फेज वन के तहत सभी यूटिलिटी को शिफ्ट करा लिया गया है। ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर का सर्वे कराने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के आरआजी नंबर 9130 लॉर्ड आदि विश्वेश्वर के एएसआई सर्वे हो जाने की जानकारी दी। वहीं कोर्ट से आदि विश्वेश्वर के आरआजी के रकबा नंबर 9131 व 32 के पुरातत्विक सर्वेक्षण की मांग की गई। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वाराणसी समेत यूपी को कई बड़ी सौगातें दी हैं। पीएम ने उत्तर प्रदेश को कुल 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं समेत 4 वंदे भारत की सौगात दी है, जिसमें 2 वंदे भारत की सौगात वाराणसी को मिली है। जनपद में 2 वंदे भारत पहले से ही चल रही थी, अब 2 और ट्रेनें बढ़ जाने से यह संख्या 4 हो गई। लखनऊ से रांची के लिए चलने वाली वंदे भारत वाराणसी आएगी, इसके साथ ही 1 वंदे भारत पटना से गोमती नगर के लिए चलेगी। इससे पटना से अयोध्या और लखनऊ की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी थी। तो क्या आंकड़े वो रहे और ये अयोध्या के लिए कितना काशी के लिए लगता है? एक्चुअली आप लोग जानते हैं, जैसे जनवरी में मंदिर का शुभारंभ हुआ है, इसके बाद से इस लाइन में ज़्यादा डिमांड रही है। और जहाँ तक रेलवे की बात है, रेलवे ने भी अपनी क्षमता बढ़ा ली है। और यहाँ से देखेंगे जौनपुर के आगे जो डबलिंग था, उसको हम लोगों ने 45 डेज में पूरी डबलिंग पूरा कर ली है। हम तैयार हैं, अभी हमने आस्था स्पेशल पूरी चलाई है, चल रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एक आप जानते हैं सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है, वहाँ एक आध्यात्मिक जगह है, आध्यात्मिक सिटी वो भी है, दोनों एक कनेक्ट हो गए, एक पास में आ गए। और ये रेलवे के लिए भी अच्छा है और यहाँ के जन सुविधा भी बड़ी बढ़ोतरी हुई।